सनराइजर हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को एक रन से हरा दिया। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड किए। गुरुवार को मिली इस जीत से सनराइजर ने मौजूदा सीजन के पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 में जगह बना ली है, जबकि राजस्थान के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने का इंतजार बढ़ गया है। रॉयल्स हार के बावजूद 16 अंक के साथ टेबल के टॉप पर है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 201 रन बनाए। टीम ने सीजन में 5वीं बार 200 रन का आंकड़ा पार किया है। जवाब में राजस्थान 20 ओवर में 7 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। रॉयल्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने 11 रन ही दिए। भूवी प्लेयर ऑफ द मैच रहे, उन्होंने 41 रन देकर 4 विकेट चटकाए। SRH से नीतीश रेड्डी ने 42 बॉल पर 76 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि टेविस हेड ने 44 बॉल पर 58 रन बनाए। हेनरिक क्लासन ने 19 बॉल पर नाबाद 42 रन का योगदान दिया। आवेश खान को 2 विकेट मिले। RR के लिए रियाग पराग ने 49 बॉल पर 77 रन बनाए, जबकि यशस्वी जयसवाल ने 40 बॉल पर 67 रन की पारी खेली। भुवनेश्वर कुमार के अलावा टी नटराजन और पेंट कमिश को 2-2 विकेट मिले।